दोस्तों मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई और आप देख रहे हैं #AskAruna32nd एपिसोड। ये एपिसोड जो होता है इसमें मैं आपको देता हूं आपके सवालों के जवाब। जी हां, अगर आपको भी चाहिए तो नीचे कमेंट में सवाल पूछिए, जवाब हम दे देंगे। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैक इन टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों पहला सवाल लेने से पहले कह दूं, लाइक करना क्यों भूलते हो? दोस्तों इतना हम आपके लिए करते हैं, एक लाइक जरूर हो जाए इस वीडियो पे। चलिए बढ़ते पहले सवाल से। पहला सवाल आ रहा है अमित पांडे जी से, वो पूछते हैं, बॉस एक क्वेश्चन था, प्लीज आंसर देना। मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है और मुझे एक लैपटॉप लेना है C++ एंड पाइथन, तो कौन सा लूँ? भाई आपका बजट क्या है? 20,000, 50,000, 2,00,000, 5,00,000 बोलिए वो सही। चलिए आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक बजट का जो एक है वो बोलता हूँ। हमने एक वीडियो किया हुआ है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स या फिर अंडर 30,000, 25,000, उसमें से देख लीजिए, अच्छा है वीडियो, आप कार्ड्स में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विष्णु नायर पूछते हैं, सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम इज अ बिट ओल्ड फोन बट हैज टॉप स्पेक्स एंड हैज 4K डिस्प्ले एंड वाटरप्रूफिंग। 4K डिस्प्ले है, वाटरप्रूफिंग है, लेकिन क्या आपको पता है सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम 2015 में लॉन्च हुआ था, 3 साल पहले। वो आउट ऑफ द बॉक्स मार्शमेलो में आता है, शायद नुगाट मतलब एंड्रॉयड 7 पे अपडेट हो, लेकिन ओरियो नहीं और कौन सा भी नहीं है। तो इट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ बाइंग इन 2018, आई एम प्रीटी श्योर। मत लीजिए, बहुत सारे दूसरे फोन्स नए नए आए हुए हैं, लेटेस्ट फोन लीजिए, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ लीजिए। ये भी जो है वो शायद 810 प्रोसेसर पे आता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810, बहुत पुराना प्रोसेसर है। उससे अच्छा आप बहुत सारे दूसरे भी फोन्स हैं उतने ही प्राइस में, अच्छे वाले आ जाएंगे, नए वाले आ जाएंगे, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। अरविंद पटेल पूछते हैं, सैमसंग नोट 9 का अनबॉक्सिंग कब करोगे? यार ये ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। अनबॉक्सिंग हम तब करेंगे जब ब्रांड्स हमें भेजेंगे रिव्यू यूनिट्स, मिल तो नहीं सकते हैं, हम खरीदने को जाएंगे तो 15-20 दिन लग जाएगा। तो अगर ब्रांड भेजता है, सैमसंग भेजता है हमें रिव्यू यूनिट, तो ज़रूर करेंगे, हम रुके हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक ऐसा मानना है, मैं पूछता नहीं हूँ ये, क्योंकि उनका लॉस है। अगर ब्रांड नहीं भेजते हैं हमें फ़ोन्स तो वो उनका लॉस है, मेरा नहीं है। हम अपना काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं, तो ब्रांड्स ने हमें भेजना चाहिए, ये यही है। अगर सैमसंग भेजेगा तो हम जरूर अनबॉक्सिंग का वीडियो करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला पूछते हैं, भाई 4 बार पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर। ठीक है, अंडर 10K में कौन सा कैमरा रहेगा? ISO अच्छा, कौन सा अंडर 10K में अच्छा कौन सा कैमरा रहेगा? मुझे लगता है कैमरा वाला स्मार्टफोन पूछ रहे हो, तो मैं रेडमी Y2 का नाम आपको बता देता हूं। तरनजीत सिंह भाटिया पूछते हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर 35K, प्लीज सर जी बताओ। एसर का, एस्पायर का एक अच्छा लैपटॉप आता है 35,000 का ही है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर जाके देख सकते हो। i5 8 जनरेशन प्रोसेसर है, उसमें 4GB की रैम है। ओवरऑल फॉर 35,000 इट इज़ अ गुड फोन, सॉरी इट्स अ गुड लैपटॉप, वो आप ज़रूर ले सकते हैं। अरविंद पटेल पूछते हैं, सैमसंग नोट 9 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? वैल्यू फॉर मनी पता नहीं, वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा फ़ोन है एंड इट इज़ नॉट वेरी हाईली प्राइज। मतलब ऐसा नहीं है कि यार जो फ़ोन 40,000-50,000 का होना चाहिए था वो उन्होंने 1,00,000 का कर दिया है। दे हैव प्राइज्ड इट एट 65,000-70,000 विच आई थिंक इज़ अ गुड बाय मेरे हिसाब से। तो वैल्यू फॉर नहीं है, लेकिन ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बीच में किधर तो भी है, ऐसे मैं कहूँगा। शंकर शर्मा पूछते हैं, कौन सा लिया जाए, क्या लिया जाए, कौन सा क्या लिया जाए, Redmi Y2 या Realme 1 या रुक जाए? Realme 2 बहुत ही जल्दी आ रहा है। जी हाँ, कल ही मैंने कहा था कि भाई Realme 1 के जो सक्सेसर्स है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो अगले महीने में आ जाएगा, तो Realme 2 के पास आप देख सकते हैं या फिर बहुत सारे दूसरे भी हैं। लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए, आपका बजट क्या है, आपको क्या चाहिए स्मार्टफोन में, फिर हम बता पाएंगे, ऐसे बता नहीं पाएंगे। चलिए रुक जाइए। रुद्रान को भट्टाचार्य पूछे, भाई आप ये बताओ कि 15,000 के बजट के अंदर कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा लेना, ओवरऑल पैकेज्ड फ़ोन जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा एज 5G नेटवर्क इज कमिंग इन 2022। आपको पता है
तो कम से कम 2-3 साल फोन चला सके ऐसा फोन बताइए 15,000 रुपए के अंदर, 15,000 रुपए के अंदर। Asus Zenfone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro, 1.5-2 साल आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके पास, आप देख सकते हैं। और 5G नेटवर्क जो है उसके लिए आप मत सोचिए, अभी ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसमें 5G नेटवर्क आता है। सिर्फ अभी मोटो ने एक फ़ोन लॉन्च किया था, वो मोटो मॉड के साथ 5G हो जाएगा, जब भी हो जाएगा, तो दूसरा कोई फ़ोन है नहीं। तो रकीबुल पूछते हैं, सर ऑनर प्ले वर्सेज रेडमी A2 बेस्ट फ़ोन, रेडमी A2 नहीं है वो, मी A2 है, रेडमी एक सब ब्रांड है, मी एक ब्रांड है, तो मी A2 है वो, बेस्ट फ़ोन कौन सा है ऑनर प्ले? दो चीज़ें मुझे मी A2 की अच्छी नहीं लगी, 3.5 mm जैक नहीं है, एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है, पता नहीं क्यों, देर इज़ नो एक्सपेंडेबल मेमोरी। एक सिम का ट्रे जो था वो चेंज करना था, और अंदर थोड़ा सा चेंज करना था, वो भी नहीं किया, तो आई थिंक आई विल सजेस्ट यू ऑनर प्ले। राजविंदर सिंह पूछते हैं, भाई विच फोन इज बेटर इन ऑल फील्ड्स, नोकिया 6.1 प्लस यानी X6, वावी नोवा 3i और ऑनर प्ले? नोवा 3i एंड ऑनर प्ले दोनों मैं सजेस्ट करूंगा। नोकिया X6 आया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्राइस इट कम्स एट, उसके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ, पता है आने वाला है लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा। बट नोवा 3i एंड ऑनर प्ले बोथ आर एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस, तो आप जरूर उनके पास देख सकते हैं। अब्दुल पूछते हैं, सर मुझे एक फ़ोन लेना है under 20K, मी A2 लूँ या फिर मी 8i? लेकिन मी 8i आने वाला है या नहीं ये तो पता है आपको, मुझे नहीं लगता है मी 8i, या फिर मी 8i यानी आप मी 8SE के बारे में बात कर रहे हो? मी 8i नाम का फ़ोन मुझे तो पता नहीं है, लेकिन 20,000 आपका बजट है तो मैं मी A2 से ज़्यादा अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जाइए ऑनर प्ले के लिए, अच्छा है। केतन के वोरा पूछते हैं, मी A2 या ऑनर प्ले? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये सवाल, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेस्ट कैमरा एंड बैटरी एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टाइम यूज। मैं कहूँगा बेस्ट कैमरा आपने पूछा है और बेस्ट बैटरी पूछिए। अब मी A2 का कैमरा जो है ऑसम कैमरा है, बैटरी जो है जी हाँ बैटरी ऐसी है, तो इट इज़ तो मैं रादर आपको बताऊंगा कि ऑनर प्ले ले लो लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए, जी हाँ, लेकिन मी A2 का कैमरा अच्छा है इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अजित बसुमत्री पूछते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, वीडियो बहुत अच्छा लगता है, होप आपको और सक्सेस मिले। ऑनर प्ले वर्सेज ऑनर 3 दोनों में कौन सा डिवाइस अच्छा होगा गेमिंग और कैमरा के लिए? ऑनर प्ले आता है किरिन 970 पे, नोवा 3i आता है किरिन 710 पे, तो गेमिंग के हिसाब से डेफिनेटली ऑनर प्ले ज़्यादा अच्छा है। दोनों डिवाइस पर एंड्रॉयड पी अपडेट आएगा? हाँ आने वाला है, एंड्रॉयड पी दोनों में भी आएगा। ऑनर व्यू 10 डिवाइस पर कब एंड्रॉयड पी आएगा? 7 मंथ्स रनिंग व्यू 10 पर अभी तक पता नहीं है, आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, तो एंड्रॉयड पी अपडेट आएगा, कब आएगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। देवांग शर्मा पूछे, सर क्वेश्चन ले लो सर, ऑनर प्ले और मी A2 में कौन सा बेटर है, बैटरी कैमरा गेमिंग प्रायोरिटी है, प्लीज आंसर। ऑनर प्ले, गेमिंग मैं आपको 100% बता सकता हूँ, बैटरी 100% बता सकता हूँ, कैमरा सिर्फ मी A2 का अच्छा है, तो आप डिसाइड कीजिए, कैमरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मी A2 के पास देख सकते हैं, लेकिन गेमिंग और बैटरी इंपॉर्टेंट है तो आप ऑनर प्ले के पास देखिए। रमणीक सिंह पूछते हैं, आप हमेशा OnePlus 6 को वैल्यू फॉर मनी कहते हो क्योंकि है, पर Vivo Nex को क्यों नहीं? मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि नहीं है, बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली, Vivo Nex अच्छा फ़ोन है फॉर द प्राइस, 45,000 का फ़ोन है, Qualcomm Snapdragon 845 देता है, 8GB RAM देता है, एंड उसका डिस्प्ले भी है बेजललेस, नियर बेजललेस डिस्प्ले है, और वो कैमरा भी रिट्रैक्टेबल कैमरा है, तो ओवरऑल आई थिंक दैट ऑल्सो इज वैल्यू फॉर मनी, तो OnePlus 6 तो है ही, Vivo Nex भी है, होप यू आर हैप्पी। बिपिन अग्रवाल पूछते हैं, मी A2 का 6GB वेरियंट का प्राइस, जब मैं लॉन्च इवेंट पे गया था उन्होंने कहा कमिंग सून, इसका मतलब अगले 1 महीने के अंदर आना चाहिए, और अगर आपने मुझे गेस करने को कहा है क्योंकि मेरे को एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन 20,000 रुपये, 17,000 का मी A2 4GB है, 6GB 20,000 का आएगा। सौरभ लवंद पूछते हैं, ब्रो सबसे बढ़िया फास्ट चार्जिंग कौन सा है, मोटो शाओमी एप्पल सैमसंग ओप्पो वीवो या OnePlus? आई थिंक OnePlus,
OP6, yes, dash charging जो है OnePlus का अभी भी सबसे फास्ट है. VOOC charging मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट फिर भी मैंने देखे हैं comparisons, dash charger wins. कविश यादव पूछते हैं, is AI a hardware or software or anything else? Artificial intelligence is actually software, but the hardware has to support it. मतलब hardware होना चाहिए जो AI को support करेगा, और फिर software में भी AI के features चाहिए, फिर आपको AI के जो फीचर्स है आपके फ़ोन में, कि भाई कैमरा AI होगा, उसको सीन डिटेक्शन करना है, तो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए एंड न्यूरल इंजन होना चाहिए बेसिकली आपके प्रोसेसर के अंदर जो सपोर्ट करेगा. तो दोनों का भी चीज़ है, इट इज़ जस्ट नॉट वन, याद रखिए. AI सिर्फ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, बट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव. इफ़ इट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ज़्यादा अच्छा होगा. आशीष ठाकुर पूछते हैं, क्या मी A2 में फेस अनलॉक मिलता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है, सरप्राइजिंग, लेकिन मी A2 में फेस अनलॉक नहीं है, 3.5mm जैक नहीं है, एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है, पता नहीं. रुद्रान को भट्टाचार्य, गॉट इट राइट. भाई मुझे बताओ, आप AV15 के बजट में कौन सा फोन लॉन्ग टर्म यूज के लिए अच्छा रहेगा, एज 5G इज कमिंग. बट 5G इज कमिंग इन 2022, राइट नाउ वी आर इन 2018, चार साल हैं. और 15 के बजट में मैं कहूँगा वही Asus Zenfone Max Pro M1 या फिर Redmi Note 5 Pro. थोड़ा बजट आप बढ़ा सकते हो तो फिर आप देख सकते हो Honor Play के पास. Mi A2 अगर कैमरा चाहिए आपको बहुत अच्छा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो Mi A2 भी देख सकते हो, तो बहुत सारे हैं. कामरान गिलानी पूछते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था 25K में गैलेक्सी 7 एज बेटर रहेगा या फिर नोवा 3 आए, और अपना भी दिखाए बहुत अच्छा है, अपना 2B दिखाए. सॉरी मेरे को लास्ट का नहीं पता चला, बट आप पूछ रहे हो गैलेक्सी 7 एज बेटर है या नोवा 3 आए. गैलेक्सी S7 एज स्नैपड्रैगन 820 है, बहुत अच्छा फ़ोन है, आप ज़रूर जा सकते हो. OS का अपडेट्स एंड्रॉयड पी वगैरह मिलेगा या नहीं ये नहीं बता सकता हूँ, बट दैट इज़ अ गुड चॉइस बिटवीन द टू, दैट्स व्हाट आई थिंक. कैमरा इज एक्सीलेंट S7H पे, दिखने को बहुत अच्छा है, तो उसके पास आप जरूर देख पाओगे. रवि भट्ट पूछते हैं, SD670 या SD710? SD710. गौरव शर्मा पूछते हैं, विच ईयरफोन्स आर बेस्ट, वन मोर पिस्टन और मी ईयरफोन विथ माइक ₹700 वाले? वन मोर पिस्टन फिट, आई हैव ट्राइड बोथ ऑफ देम, एंड मी का ईयरफोन भी अच्छा है, लेकिन स्लाइटली अगर अच्छा पूछा जाए तो वन मोर पिस्टन फिट आर रियली गुड वंस. इनफैक्ट मैं पर्सनली, मेरे को ब्लूटूथ इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मैं पिस्टन फिट इस्तेमाल करता हूँ, तो शायद मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, बट वन मोर पिस्टन आर गुड. सौरभ राज पूछते हैं, सर जी अगर आपको टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स को रैंक में रखना है तो कौन सा, 1 से 5 में कौन सी कंपनीज होंगी, किस हिसाब से, ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा बड़े, ज़्यादा अच्छे, आई डोंट नो व्हाट यू हैव आस्क्ड, लेकिन मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं वो रैंक बताता हूँ आपको. सबसे पहले आएगा एप्पल, सेकेंड आएगा सैमसंग या फिर वावी. चलिए सैमसंग सेकेंड, थर्ड वावी, फोर्थ ओप्पो एंड फिफ्थ वीवो, ग्लोबली बता रहा हूँ मैं. अगर इंडिया में करना है रैंक आपको तो फर्स्ट शाओमी, सेकेंड सैमसंग, थर्ड ओप्पो, फोर्थ वीवो, फिफ्थ वन प्लस, और कौन सा है क्या, HTC नहीं, सोनी नहीं, LG नहीं, और कौन सा है, नहीं ना, बराबर था ना रैंकिंग, हाँ वही है. चलिए विकास सिंह पूछते हैं, सर आई लव योर वीडियोस, थैंक यू, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्नैपड्रैगन 670 एंड विच मोबाइल कंपनी विल यूज दिस फर्स्ट इन द स्मार्टफोन. स्नैपड्रैगन 670 जैसे मैंने कहा 15% बेटर परफॉर्मेंस देन 660, 25% बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, और 710 से नीचे है, तो मैं वही कहूँगा कि भाई 660 से ज़्यादा अच्छा है, 710 से कम है. और दूसरी बात, विच कंपनी, मेरे हिसाब से दोनों में से एक कंपनी होगी, वावी या फिर शाओमी, इन दोनों के पहले फ़ोन आएंगे 670 प्रोसेसर भी, इतना मैं बताता हूँ, ये मेरा गेस है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है. आशीष राजपुरोहित पूछते हैं, भाई मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा है जिसमें बता रहा था कि न्यू स्मार्टफोन OnePlus X2 लॉन्च किया है, OnePlus X2 नहीं, गलत है, और ये ट्रू है तो इस पर वीडियो ज़रूर बनाओ.
ट्रू ही नहीं है, फॉल्स है, तो क्यों बनाना है ही नहीं है सब। राहुल मजूमदार पूछे सर, मीडियाटेक हीलियो P25 और स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर अच्छा है? 636, इनफैक्ट मैं तो इतना कहूंगा कि स्नैपड्रैगन 636 इज नियरली 50% फास्टर देन हीलियो P25। अगर आप हीलियो P60 कहते थे तो मैं सिमिलर बताता था, लेकिन हीलियो P25 से तो स्नैपड्रैगन 636 एनी डे इज एक्सीलेंट। करण पूछते हैं, हाय सर, यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी, थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज, व्हिच इज बेस्ट लैपटॉप अंडर 50K? हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50K, आप जरूर देख सकते हैं, कार्ड सेक्शन में जाइए, चूज कीजिए, खरीदिए। एलन संगमा पूछते हैं, विल सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 सपोर्ट 5G नेटवर्क? नो, इट डज नॉट सपोर्ट 5G नेटवर्क। घेन सार पूछते हैं, सर आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, वन प्लस 6 और ऑनर 10 विच शुड आई बाय? वन प्लस 6, ऑनर 10 भी अच्छा है, इनफैक्ट 32,999 का कुछ है, अफगानिस्तान में क्या प्राइस है मुझे पता नहीं है, बट बोथ आर एक्सीलेंट फोन्स। आई एम बायस्ड टूवर्ड्स वन प्लस 6, तो शायद मैं उसको बताऊंगा, बट ऑनर दोनों में से कोई भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर एक्सीलेंट फोन्स। कृष्ण कुमार पी पूछते हैं, अरुण जी अ बिग सल्यूट टू योर डेडिकेशन, प्लीज रिकमेंड मी अ फोन विद फॉलोइंग स्पेक्स, गुड लुक्स, नो प्लास्टिक बैक विद नॉच, बेस्ट कैमरा गोरिल्ला ग्लास SD636 और इक्विवेलेंट और अबाउ, FHD प्लस डिस्प्ले अंडर 18K। अब गोरिल्ला ग्लास मिलना थोड़ा मुश्किल है, एंड रेडी टू वेट हैं आप तो मैं कहूँगा आपको नोकिया 6.1 प्लस या फिर नोकिया X6, दोनों भी सेम ही है, उसके लिए रुक जाइए, और अभी लेना है तो मैं 18K जगह पे 2011 डाल के आप ऑनर ले लीजिए, ऐसे कहूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रवीण शिंदे पूछते हैं, सर क्या 10nm प्रोसेसर 14nm प्रोसेसर से अच्छा होता है क्या? कोई वीडियो कीजिए प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, ज़रूर करेंगे आपके लिए वीडियो टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट येस योर आंसर, 10nm प्रोसेसर इज बेटर देन 14nm, ज़्यादा फास्टर होता है, ज़्यादा छोटा होता है, एफिशिएंट होता है ज़्यादा, तो 10nm इज एनी डे बेटर देन 14nm। गजेंद्र प्रसाद पूछते हैं, किरिन 710 वर्सेस स्नैपड्रैगन 710 विच इज बेस्ट? स्नैपड्रैगन 710 जनरली जो भी देखा गया है, जैसे 659 होगा या फिर स्नैपड्रैगन का 636 होगा या फिर 625 होगा, तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स आर जनरली फास्टर प्रोसेसर्स, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो इधर मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, गेस कर रहा हूँ कि किरिन 710 से ज़्यादा अच्छा स्नैपड्रैगन 710 है। शिवेंद्र सिंह पूछते हैं, हाउ टू गेट इन्विटेशन इन एनी फोन लॉन्च इवेंट? यूट्यूबर बन जाओ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ले लो, मिल जाएंगे। हमारे कुछ 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अभी भी हमें सब लॉन्च इवेंट्स के लिए नहीं बुलाते हैं, इट इज़ हार्ड वर्क डेडिकेशन। वंस द ब्रांड नोज दैट आप के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग फ़ोन रिव्यूज़ वगैरह जो है वो देखेंगे, तो आपको बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे, यही है सिंपल आंसर। अंसारी हसनैन पूछते हैं, विच प्रोसेसर इज बेस्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 और एक्सिनोस 9810? आई विल से स्नैपड्रैगन 845, एक्सिनोस 9820 होता था तो पता नहीं, और A11 बायोनिक, ओ आई डिड नॉट रीड दैट, तो A11 बायोनिक चिप इज ऑल्सो एक्सीलेंट, बट आई स्टिल गो फॉर स्नैपड्रैगन 845। मैंने आईफोन X जो A11 बायोनिक पे है वो इस्तेमाल नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है, बट अगर आप बेंचमार्क रेटिंग्स देखोगे तो A11 बायोनिक बहुत जगह पे ज़्यादा स्कोर देता है, बट रिमेंबर एप्पल का जो होता है उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसकी वजह से वो रेटिंग्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर सिर्फ प्रोसेसर के पास देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 ज़्यादा अच्छा है। संबित कुमार पूछते हैं, व्हाई इज द प्राइसिंग ऑफ ऑल डिवाइसेज एंड थिंग्स इन मार्केट आर डन एज 99999? अरे यार बाटा प्राइसिंग है, मैं 20,000 बोलता हूँ और या फिर 19,999 बोलता हूँ, तो 19,000 और 20,000 जंप हो जाता है, ये 20,000 में आता है, ये 19,000 में आता है, ₹1 का डिफरेंस है। बाटा प्राइसिंग लॉजिक ढूंढ लीजिए आप गूगल पे, आपको पता चल जाएगा, सब आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आस्क करूं एपिसोड नंबर 32 इधर ही समाप्त होता है। दोस्तों दो चीज़ें कह दूं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप सवाल पूछ सकते हो, हैशटैग आस्क करूं डालिए स्पेशली ट्विटर पे और आपका सवाल पूछिए, ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके सवाल लिए जाएंगे। आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो उधर भी जरूर कर दीजिएगा, /trackingtech सब जगह पे हमारा हैंडल है। और दोस्तों और एक बात कह दूँ,
ये वीडियो अच्छा लगा, संडे को हम आप तक ये पहुंचाते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सराहिए, लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।